जिसके साथ युद्ध में अमेरिका की अगुवाई वाला नाटो यूक्रेन की मदद कर रहा है। नाटो और अमेरिका की बदौलत ही यूक्रेन रूसी सेना के सामने टिका हुआ है, और अगर अमेरिका नहीं होता तो आज यूक्रेन का दुनिया के नक्शे से नाम ही मिट जाता। और यही वजह है कि अब रूस अमेरिका को यूक्रेन के साथ साथ मिडिल ईस्ट से भी खदेड़ना चाहता है। इसी कड़ी में पुतिन ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के खिलाफ ईरान को मजबूत कर रहा है, और ईरान ने यमन के हूती, लेबनान के हिजबुल्ला और गाजा में हमास को इसराइल के खिलाफ मजबूत कर दिया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पुतिन मिडिल ईस्ट को अमेरिका से मुक्त करना चाहते हैं, और यही वजह है कि अब रूस उन देशों में सेंधमारी कर रहा है जहां पर अमेरिका की मजबूत पैठ है। दरअसल रूस के कजान में ब्रिक्स का सम्मेलन होने जा रहा है, और इस सम्मेलन के बहाने पुतिन मिडिल ईस्ट में अमेरिका के खिलाफ अपना एक जाल बिछा रहे हैं। और इसी कड़ी में पुतिन ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद बिन सुल्तान अल नहान से मुलाकात की। पुतिन ने यूएई के राष्ट्रपति को अपने घर पर एक अनौपचारिक रात्रि भोज पर आमंत्रित किया था, जहां पर उन्होंने सुल्तान अल नहान को यूक्रेन के साथ बंदियों की अदला बदली में मदद करने का शुक्रिया अदा किया। हालांकि यूएई के राष्ट्रपति इकलौते नहीं हैं जिनसे पुतिन मिल रहे हैं, बल्कि पुतिन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान से भी मुलाकात करेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन के बहाने पुतिन का पूरा ध्यान उन देशों को अपने पाले में लाने का है जिनके अमेरिका से मजबूत रिश्ते हैं। यही वजह है कि अब पुतिन की अगुवाई में ब्रिक्स में ईरान, मिस्र, इथोपिया, यूएई और सऊदी अरब जनवरी 2025 में शामिल होंगे, और इन सब के पीछे पुतिन की विदेश नीति के चाणक्य यूरी उश्काव का हाथ है। उश्काव का कहना है कि ब्रिक्स सम्मेलन में 32 देश हिस्सा लेंगे और 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे, और पुतिन करीब 20 द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन भी करेंगे। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ब्रिक्स का ये सम्मेलन रूसी जमीन पर अभी तक का सबसे बड़ा विदेश नीति का कार्यक्रम है, जो अमेरिका के सामने रूस की चौधराहट को और ज्यादा मजबूत करेगा, क्योंकि एक तरफ जहाँ पुतिन की पश्चिमी देशों से ठनी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वो दुनिया के उन देशों के करीब जा रहे हैं जिनसे रूसी अर्थव्यवस्था और युद्ध प्रयास और ज्यादा मजबूत हों, क्योंकि यूक्रेन पर हमला करने के बाद से पूरी दुनिया में रूस पर पश्चिमी देशों ने सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाए हैं। और ब्रिक्स सम्मेलन को सफल बनाकर पुतिन अमेरिका को ये भी दिखाना चाहते हैं कि जिस इंटरनेशनल स्टेज से अमेरिका ने उसे बेदखल करने की कोशिश की थी, आज वही अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी उसके साथ खड़ी है। इस सम्मेलन के दौरान रूस भारत से कई अहम आर्थिक समझौते कर सकता है, क्योंकि इंडियन मार्केट रूसी कमोडिटीज का एक बड़ा बाजार है, वहीं चीन रूस के लिए ड्यूअल यूज और सैन्य उपकरणों के लिए काफी अहम है। रूस चाहता है कि वो ब्रिक्स के बहाने एक वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम को बनाए जो दुनिया के स्विफ्ट नेटवर्क के जैसा हो, और इस पेमेंट सिस्टम पर पश्चिमी प्रतिबंधों की आंच भी ना आए, और रूस के सपने में भारत, चीन, ब्राजील बेहद ही अहम है। ईरान के साथ रूस एक बड़ी रणनीतिक साझेदारी चाहता है, क्योंकि यूक्रेन पर हमला करने के बाद ईरान ने पर्दे के पीछे से रूस को बड़े पैमाने पर अपने घातक कामिकेज ड्रोन सप्लाई किए थे, जिनके दम पर रूसी सेना ने युद्ध में वापसी की थी। इसके अलावा ईरान रूस में एक ड्रोन फैक्ट्री लगाने में भी पुतिन की मदद कर रहा है। बदले में ईरान रूस के वो हथियार चाहता है जिनसे वो इसराइल के हमले का जवाब दे पाएगा।